पीएम मोदी दो दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे, आज जनकपुर में भव्य कार्यक्रम। उन्नाव केस में सेंगर के खिलाफ रेप केस के मिले सबूत, मेडिकल कराने में भी पुलिस ने की थी देरी। पीएम मोदी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कसा तंज, कहा पीएम बनने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। गुरुग्राम में आज कड़ी निगरानी में अता होगी नमाज, तनाव के बीच पुलिस बल मुस्तैद। बीजेपी सांसद सावित्री बाई फूले ने पढ़े जिन्ना के कसीदे, कहा जिन्ना महापुरुष थे और रहेंगे, लगनी चाहिए प्रतिमा। दक्षिण कश्मीर से अब हरियाणा का पर्यटक लापता, जांच में जुटी पुलिस। विप्लव देव के अटपटे बयान जारी, अब कहा टैगोर ने अंग्रेजों के विरोध में नोबेल लौटाया था। जस्टिस चेलमेश्वर के लेटर के बाद आज होगी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बैठक। महाराष्ट्र में सब्जी बेचने वाले को भेज दिया 8 लाख का बिजली बिल, गरीब ने दे दी जान। गंगा को प्रदूषित करने वाले 70 शहरों में 32 बिहार के, सफाई पर खर्च होंगे 20,000 करोड़। एनईईटी परीक्षा में चेकिंग के दौरान उतरवाए इनरवेयर, छात्रा ने निरीक्षक पर लगाए घूरने का आरोप। सियाचिन में जवानों से मिले राष्ट्रपति कोविंद, बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा आप लोगों के लिए जनता के मन में अलग ही सम्मान। नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के 100वें जन्मदिवस पर गूगल ने डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि। कनाडाई सिख मंत्री से एयरपोर्ट पर पगड़े उतरवाने को कहा, बड़ा मामला तो अमेरिका ने मांगी माफी। किम जोंग उन से 12 जून को सिंगापुर में मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, खुद ट्वीट कर किया ऐलान। केन्या में किसान का बांध टूटने से 20 बच्चों समेत 41 की मौत, करीब 500 मकान ढहे। अब मिलेगा गुम हुआ मोबाइल, मोबाइल चोरी या गुम होने पर 1442 नंबर पर करें शिकायत, ढूंढ कर देगी पुलिस। दंगल गर्ल जायरा वसीम ने ट्वीट कर किया खुलासा, 4 साल से डिप्रेशन में हूं, हर दिन 5 गोलियां खा रही हूं। नेहा धूपिया ने गुपचुप रचाई शादी, शादी के दिन ही हनीमून के लिए पति अंगद बेदी संग अमेरिका रवाना। 63 गेंद पर 128 रन ठोक ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, दिग्गजों की लिस्ट में मिली जगह।